अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं नसीम पाशो वेलकम यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप भी सब लोग जितने मेरे बहन भाई जितने मेरे कुल टोटल हमारे जो टीम है यूट्यूब की सबको मेरी तरफ से सलाम। सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। हम ये सोच रही थी मैं इतने दिन से जो हमारे यहाँ गैस नहीं आ रहा हमारे यहाँ गैस नहीं आ रहा हमारे यहाँ गैस नहीं आ रहा। हमने बोला शायद इमरान खान ने गैस हमारा बंद कर दिया। हमने क्या सोचें, दुआ दें बददुआ दें, क्या करें, भूखे मर रहे हैं बच्चे। होटलों पर भी जाओ तो रश लगा हुआ है, जिधर भी जाओ रश लगा हुआ है। खाना भी सही तरीके से चर्बी वर्बी वाला था, छोटा सा इलाका है जिधर हम रहते हैं, तो दिल ही नहीं मानता खाने पीने को। तो कहने का मकसद ये है भाई, नाराज़गी माफ़, अगर मेरी तरफ से कोई गलत अल्फाज निकल गया तो बिल्कुल मुझे माजरत माफ़ी दे दो। और दूसरी बात है मीटर का जो हमारा रेगुलेटर गोल गोल होता है ना, वो उसके अंदर जो एक पिन होती है ना, वो किसी ने मार मार के तोड़ दी। हमारे इलाके में पहले भी 8 मीटर चोरी हो चुके हैं। 8 मीटरों के बाद परसों रात को भी 4 बजे मीटर उतार रहे थे तो बंदे उठ गए थे बंदे, वो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। अफगानिस्तान से आए हुए हैं तो लड़के कचरा चुनने वाले हैं, तो कभी ना कभी तो पकड़े भी जाएंगे। तो आज मेरे को सब ने बोला भाई इन मीटरों की ना वीडियो बना के डाल दे, और जो ये मीटर चोरी हो रहे हैं चार रात को मीटरों में ना करंट छोड़ा जाएगा। जो उठाएगा तो हम कल को ये भी बोलेंगे भी हमने नेट पे भी डाला था ये करंट के बारे में, हम नेट पे भी डाला था। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ और बड़ी सोच समझ के, टेंशन बहुत है। कितने दिन से खाना, ये देखो हमारी शक्ल कैसी होगी, आंखें देखो हमारी काली भट्ट होगी, रंग देखो हमारा काला श्या होगी। लकड़ियाँ जला, उधर भाग उधर भाग, उनके छत पे जाके बना खाना, उनके चूल्हे पे जाके बना, उधर देख उधर देख, कहीं सालन बना के होटल से रोटियाँ लगवा। बहुत परेशानी हो रही थी कसम से, बहुत परेशानी, तो रोना आ रहा था। आज तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने पकाने को, फिर भी वो हम अपने यहाँ कुछ अजीज़ हैं उनके यहाँ कुछ कड़ी एक बनाई है मैंने, थोड़े चावल बना के आई कड़ी, कल से कड़ी चढ़ाई और गैस ही नहीं आ रहा, आधी पक्की आधी कच्ची वहीं पड़ी रही। रात को हमने धनिया मिर्ची की चटनी कूट के खाई है, और क्या कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं धनिया की चटनी, फ्रिज में से निकालते हैं दिखाते हैं, ये देख सकते हैं। बल्ब यहाँ से कहाँ गायब हो गया भाई, एक तो अंधेरा हो रहा है। ये कल हमने चटनी खाई है, ये देखिएगा, ये धनिया मिर्ची की चटनी कूट के खाइए, और बहुत परेशानी का आलम काटा है हमने। अच्छा अभी बस चलते हैं मीटरों की तरफ से, तो मैं बाहर अपनी वीडियो कैसे बनाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे से वीडियो मीटरों की, जिन जिन मीटरों की बनाऊंगी तो आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ठीक है। बस ये देखिएगा, ये जो है ना यहाँ से तोड़ा था इन्होंने ये जगह, तो लग भी गया मेरे को काम। ये 3 मीटर इन्होंने खोलने की कोशिश की है और हम देखते देखते रह गए। ये 3 मीटर, ये बीच का मीटर जो है ना हमारा लगा है, ये 3 मीटर एक साथ लेके हैं। तो ये वीडियो बना के नेट पे दे रहे हैं इनके ऊपर, इनके अंदर ना अब हम सोच रहे हैं ये तार लगाइए, ये तार लगा रहे हैं, इसमें छोड़ेगा करंट, जो भी खोलेगा जो भी करेगा वो अपनी जवाबदारी पे।
मीटर में तो रात को चोरी कर गया ना, चोरी करने ले दिया कोई नहीं चले, एक कागज चुंडे वजन बोरे वाले फिरा मेहरबानी उन्हें दी है उन्हें लहा गया ना। अच्छा। मैं उन्हें को पकड़े मी उन्हें को देख के दर मी बोरे सट के भाज गया ना अपने। अच्छा। ये उन 3,000 रुपए का खर्चा लिया की थे नहीं है। अच्छा। गैस अंधा का है नहीं है। अच्छा। खर्चा 5,000 की ठीक है। अच्छा। रोटियां पकियां का है नहीं है ना गैस है ना। अच्छा। बिजली है तो वही पूजा दी का है नहीं है। हाँ। घर वाल दिए तू निकम्मा ही तू बुढ़ला ही तू निकल वाल मैं क्या करूँ। अच्छा। मेहरबानी करो कोई हुकूमत मेरे वास्ते कुछ करे। अच्छा ठीक है। मेहरबानी करो इन्हें सब कोई चौकीदार गार्ड रख के दो। अच्छा। या इन्हें रोकथाम करो बोरे। अच्छा चलो चलो थोड़ा सा उर्दू च बोल गए। मेरे मीटर चोरी हो गए थे भाई। अच्छा। इनको मैंने बड़ा खर्चा किया इनके ऊपर 5,000-6,000 रुपए का खर्चा मेरा हो गया है। अच्छा। गैस आता नहीं है। अच्छा। बिजली वैसे 10 रुपए यूनिट पीछे और बढ़ गई है। अब घरवाली घर से निकाल देती है बाहर हर वक्त में बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ। अब मैं सोचता हूँ कि 2-3 शादियाँ और कर लूँ। अच्छा। एक मुल्तान से कर लूँ। अच्छा। एक लहिये से करूँ एक भावलपुर से कर लूँ। अच्छा। और किसी को बताऊँगा नहीं किसी के बारे में। अच्छा। और वहाँ से शादियाँ करूँगा ऐसे लोगों से जो सवाब हो जो बेवा हो। अच्छा। हाँ जो बेवा हो उनके बच्चे हों। अच्छा। उनको करूँगा लंगा दे हवाले। अच्छा। 12,000 रुपया जो मिलेगा वो जेब में रखूँगा अपना। अच्छा। जिंदगी बाकी मेरी आँख से गुजरेगी। अच्छा। सुखी निधि मुझे तो यही लग रही है। अच्छा। बाकी बहुत मुश्किल काम है इधर। अच्छा। जी हाँ बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा। सारे एक ही लोग हैं। अच्छा। हाँ एक से पूछा है किसी का नाम। उसने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा लखापति। अच्छा। बोला तेरे बाप का नाम क्या है। बोला अच्छा। करोड़पति। अच्छा। तो भाई तेरे इसका दादे का नाम क्या है। अच्छा। ने कहा अरबपति। अच्छा। तो आपको पदादे का नाम क्या पता होगा। अच्छा। जी बिल्कुल वो है खरबपति। अच्छा। बोला इतना सारा पैसा कहाँ से इकट्ठा किया है। हाँ। बोला आवाम को बेवकूफ बनाते हैं खजाना लूटते हैं अल्लाह का इतना ऐश करते हैं। अच्छा चलो सीधा सीधा हूँ सीधा खड़ा हो सीधा तस्वीर बनाओ तो तस्वीर जोड़ेंगे साथ में। मुँह तर कर सभी बस ये आपने गुफ्तगु सुन ली है और आइए आखिर में ये अपने मीटरों को विज़िट कराते हुए जाएं देख लीजिएगा हमारा खाना और पीना और रहना और सहना।